सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। लेके आ चुके हूँ आप सभी के लिए ताज़ा फ्रेश वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DHG 4.0 Plus, जो कि काफ़ी अंडररेटेड कर्नल है। बहुत ही कम लोगों ने इसको ट्राई किया होगा एंड ये कर्नल बहुत ही अच्छा है भाई। मेरी तरफ से भाई मैंने जो यूज़ किया है इसको बहुत ही अच्छा है, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ मॉड्यूल्स के साथ यूज़ करूँगा, तो सारे मॉड्यूल्स आपको मैं दिखाता हूँ वन बाई वन। तो अभी आप देख लो भाई, ये सारे मॉड्यूल्स यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ एंड स्टॉक थर्मल के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ये, मैंने इसको टेस्ट किया है। तो ये जो गेम प्ले है ये स्टॉक थर्मल के साथ है, बट मैंने T1 V5 का भी यूज़ करके देखा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वो भी निकाल के दे रहा था। काइंड ऑफ सिमिलरली परफॉर्मेंस ही था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो चलो यार, आप सभी को मैं इसका कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट दिखाता हूँ, इन्जॉय करो। सो गाइस, परफॉर्मेंस आप सभी ने देख लिया होगा, लिटिल बिट FPS ड्रॉप था, वो जो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा था उसकी वजह से हो रहा था। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर आप कोई दूसरा अच्छा सा यूज़ कर सकते हो तो वो भी ठीक है, पर मैं Full HD में यूज़ कर रहा था, इसकी वजह से FPS कुछ ड्रॉप्स हुए। सो टॉकिंग अबाउट बैटरी लाइफ, तो भाई बैटरी लाइफ DHG 3.4 से थोड़ा सा ज़्यादा सिमिलरली कह सकता हूँ, 5% या 10% ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक बार ट्राई करो आप स्टॉक थर्मल के साथ भी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है एंड बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई ऑन योर Poco F1। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, बाय।